मैथ्स ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को से रिक्वेस्ट करूंगा कि माय यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स ग्रुप को सब्सक्राइब करें। उसके लिए राइट साइड में एक रेड कलर का बटन दबाएं। आगे टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो। देखिए आंसर कर रहे हैं हम। पहला मेथड जो है बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिट। वन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जिसमें फैक्टर करने के लिए ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ए इंटू सी जो भी नंबर आएगा आपका, अब देखिए इसमें नंबर है वन इंटू टेन, कितना आया टेन। जो भी नंबर आया उसका आप फैक्टर करिए यहाँ पे टू और फाइव। जो ये मल्टीपल आया था उसी में से आपके फैक्टर मिलेंगे। टू और फाइव को देखिए क्या प्लस माइनस करने पर थ्री आ रहा है। यस, फाइव माइनस टू इक्वल टू थ्री। अब हमें थ्री नहीं चाहिए, इसका जो बी फैक्टर है वो है माइनस थ्री। तो हम क्या करेंगे, प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को प्लस इक्वल टू आ गया माइनस थ्री। तो हम फैक्टर जो करेंगे इस थ्री के वो करेंगे फाइव माइनस का प्लस का टू माइनस टेन इक्वल टू ज़ीरो। बच्चों को अब इसमें से कॉमन निकालना होता है, फर्स्ट टू में से लास्ट टू में से। बच्चों से फैक्टर नहीं होते हैं, कोई बात नहीं। इसका एक तरीका, बिल्कुल स्मॉलेस्ट फैक्टर कर दीजिए दोनों के, एक्स इंटू एक्स फाइव इंटू एक्स। इसमें भी ऐसी करिए टीन टू इंटू एक्स टू इंटू फाइव इक्वल टू ज़ीरो। क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है जैसा, यस एक्स, एक्स कॉमन आ गया। तो इसमें क्या बचा, एक एक्स बचा, एक कॉमन जा चुका है, इसमें से फाइव बचा। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, यस टू, और इसमें जो बचा एक्स और ये माइनस फाइव। ये दोनों हमेशा एक जैसे आएंगे, तो इन दोनों को फिर कॉमन करते हैं हम, एक्स माइनस फाइव इधर से ये और ये आपका बच जाएगा एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। इस एक्स को निकालते हैं अब हम, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जो हो गया फाइव। इसी प्रकार x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या आ गया माइनस टू। तो ये हमारे दोनों रूट्स आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय यूजिंग मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये हमारा दूसरा मेथड है, इससे भी हमारा आंसर सेम आएगा, क्वेश्चन वही रहेगा। वन एक्स की स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो, फॉर्म वही रहती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो जो हमारा ए हुआ वो कौन हुआ, वन इक्वल टू, बी कौन बनेगा माइनस थ्री, सी कौन बनेगा माइनस टेन। तो सबसे पहले आपको ए और बी सी फाइंड करना था इस मेथड के अंदर। इसके बाद हम डी निकालते हैं। डी का जो फॉर्मेट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी हमारे पास क्या गिवन है, माइनस थ्री स्क्वायर, उसके बाद फोर, ए अपने पास कितना है वन, और सी कितना है माइनस टेन। तो हमने कहाँ कहाँ से लिया, देखो ये बी की वैल्यू यहाँ बी में पुट कर दी, ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दी, सी की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में, फोर इंटू वन इंटू टेन करेंगे तो फोर्टी, ओवरऑल फोर्टी नाइन। डी इस मीन्स जो होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसको निकालने एक्स का जो फॉर्मूला है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में टू ए। अब यहाँ से हम पहले बी पुट करेंगे, ये हमारा बी है माइनस थ्री, इसको हम यहाँ पुट कर रहे हैं इस जगह पर माइनस फॉर्मूले का, माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट डी की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी फोर्टी नाइन, वो हम इस जगह पुट कर रहे हैं फोर्टी नाइन अपॉन में टू, और ए की वैल्यू जो हमारे पास थी क्वेश्चन में वो फिर यहाँ पुट करेंगे, ए की वैल्यू जो है वन। तो ये प्लस का थ्री बन गया माइनस माइनस, प्लस थ्री प्लस माइनस फोर्टी नाइन का रूट होता है सेवन अपॉन टू। ये एक बार हम एक्स को लेंगे प्लस में, एक बार माइनस में, क्योंकि रूट की जो वैल्यू होती है वो एक बार प्लस में होती है एक बार माइनस में होती है। तो थ्री प्लस सेवन हो गया टेन, टेन बाई टू
5. तो पहले x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5. इधर x के सॉल्व करते हैं, 3 माइनस 7 कितना होता है माइनस 4, डिवाइड में 2, कट गया, कैंसिल आउट, x इक्वल टू माइनस 2. अब आप देखिए, हमने जब यूज़ किया था कौन सा फॉर्मूला, यूजिंग मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमारा आंसर कितना आया, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू माइनस 2. इससे पहले जो हमने यूज़ किया था वो मेथड था मिडिल टर्म स्प्लिट. मिडिल टर्म स्प्लिट वाला मेथड था हमारा, इसमें क्या आंसर आया था देखिए, उसी इक्वेशन का, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू माइनस 2. मेथड हमारा थर्ड मेथड बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. इक्वेशन वही है हमारी फिर से. तो देखिए इस मेथड में क्या करना होता है, हमें स्क्वायर वाला मेथड फॉर्मूला बनाना पड़ता है. यहाँ पे जो फॉर्म बन रही है ए स्क्वायर टू ए बी वाली फॉर्म बन रही है, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है हमारा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर. तो ये आइडेंटिटी हम बनाएंगे इसमें तभी सॉल्व कर पाएंगे. काफ़ी बच्चे इस मेथड को सॉल्व नहीं कर पाते, तो बड़ा ध्यान से देखना इसको. चलिए देखिए, जो एक्स स्क्वायर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था वो बनेगा ए, तो ये बना एक्स स्क्वायर, ए की जगह पर आया, टू फॉर्मूले में है ही, ए मुझे यहाँ मिल चुका है एक्स की जगह पर अब मेरे पास बी क्या है, ये मेरे को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए. देखिए मैंने क्या किया, इस ध्यान से देखिए दोबारा से, मैंने इसको ए स्क्वायर बना दिया, टू ए मिल गया, बी मुझे अभी नहीं पता, ना मुझे ये बी पता. ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि जब मैं ये अपनी मर्जी से लूँगा तो ये भी अपनी मर्जी से इसलिए लिया, कैंसिल आउट होने के बाद ये वापसी इक्वेशन बन जाए. ये वापसी इक्वेशन आनी चाहिए, जब अपनी मर्जी लेते हैं तो एक प्लस का एक माइनस का लेना पड़ेगा. हमने बी स्क्वायर की वजह से ये ऐसा किया है, और टेन हमारा माइनस का एज इट इज़ ऐसे ही है. देखिए बेटा, अब जो है एक्स स्क्वायर मैंने लिया, माइनस टू एक्स लिया, मैंने ऐसे छोड़ दिया आप लोगों को समझने के लिए. यहाँ पे जो बी आएगा, जो भी नंबर यहाँ पे माइनस थ्री जैसे दिया हुआ है, इसका आपको हाफ नंबर लेना है. थ्री था, थ्री का हाफ करो कितना हुआ, थ्री बाय टू, ये हमेशा बी बनेगा. जो भी नंबर यहाँ दिया हुआ उसका हाफ नंबर आपका क्या बनेगा, बी. देखिए मैंने यहाँ रखा थ्री बाय टू का स्क्वायर, सॉरी 3 बाई टू का स्क्वायर यहाँ जाएगा, और यहाँ भी 3 बाई टू का स्क्वायर माइनस 10. यहाँ पे हमने क्या करना था, देखिए अब आपसे मैं दिखा रहा हूँ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो, क्या आया 3 बाय एक्स. तो आपको हमेशा क्या करना है, ये जो नंबर होगा वो आपका इस नंबर का हाफ का मल्टीप्लाई होगा. तो अब आपका ये फॉर्मेट बन गया, देखिए ये पूरा फॉर्मेट बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. हाँ, इसका क्या करेंगे, इसको अब दूसरी साइड भेज देंगे हम लोग, राइट हैंड साइड. तो ये तो फॉर्मूला बन गया x माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर. इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इस पूरे को देख लीजिए, ये 10 जाकर क्या हो गया, इधर जाकर के जीरो वाली साइड प्लस का हो गया, और ये भी इधर जाके हो गया 3 बाई टू का स्क्वायर प्लस का. अब देखिए ये तो एज इट इज चलेगा, ये 10 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता, 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 4, 10 स्क्वायर हो गया 40 प्लस 9, तो ये बन गया 49 बाय 4. तो इसके बाद जो है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हम बना चुके हैं, बट हमें एक्स फाइंड करना है. एक्स फाइंड करने के लिए स्क्वायर को हमें दूसरी साइड भेजना पड़ेगा, जिससे क्या लगेगा, अंडर रूट. और जो अंडर रूट है, इसके बाद जो है एक्स माइनस थ्री बाई टू, और इसका अगर रूट निकालते हैं, 49 का रूट होता है 7 और 4 का रूट होता है 2, तो प्लस माइनस. ठीक है, इसके बाद हमें एक्स फाइंड करने के लिए प्लस माइनस 7 बाई टू तो एज इट इज रहेगा, और ये माइनस 3 बाई टू राइट हैंड साइड चला जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, माइनस वाली चीज दूसरी साइड जाके प्लस की हो जाती है. एक बार हम इसको फिर से प्लस में लेंगे, 7 बाई टू प्लस का ले लिया, प्लस 3 बाय टू, एक बार ऐसे ही एक्स इक्वल टू माइनस 7 बाय टू प्लस 3 बाय टू. तो ये दोनों से एक्स निकालना है हमको, तो एक्स इक्वल टू अगर एलसीएम लेंगे 2 और 2 का तो सेम 2 ही आएगा, और ऊपर भी सेम ही आता है जब एलसीएम लेते हैं. तो 7 प्लस 3 होता है 10, 10 बाई 2 कैंसिल आउट कितना हो गया 5, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 5. इसी प्रकार इस साइड अगर सॉल्व करते हैं तो इधर भी एलसीएम 2 ही आएगा, और माइनस का 7 प्लस का 3, तो ये सॉल्व किया तो माइनस 4 डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा, कितना आया एक्स इक्वल टू
माइनस टू। ये माइनस क्यों आया था, क्योंकि सेवन माइनस बड़ा था और थ्री छोटा था, तो बड़े वाले की वैल्यू आती है माइनस का फोर। तो ये एक्स इक्वल टू हो गया माइनस टू और ये आया था एक्स इक्वल टू प्लस फाइव। तो हमने अब देखा कि हमने तीन मेथड किए, पहले यूज़ किया ऊपर बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसमें आंसर जो आया हमारा वो आया एक्स इक्वल टू फाइव और एक्स इक्वल टू आया माइनस टू। इससे पहले हमने जो मेथड यूज़ किया था वो मेथड था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जी था बाय यूजिंग मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें जो आंसर आया था हमारा देखो एक्स इक्वल टू कितना आया था फाइव, एक्स इक्वल टू माइनस टू। इससे पहले जो मेथड हमने यूज़ किया था वो था बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिट। इस मेथड में देखिए आंसर कितना आया था एक्स इक्वल टू फाइव और एक्स इक्वल टू माइनस टू। देखा हमने तीन मेथड किए और तीनों से आंसर सेम आया। अब आपको पता लग गया होगा इसको सॉल्व करने का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को सॉल्व करने का तीन तरीके हैं और तीनों से हम अगर करते हैं तीनों से आंसर क्या आता है सेम। तो आप लोगों के लिए एक नई चीज़ मिली होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़।